हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जब बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के बारे में, दो विस्फोटक खबरें निकल करके आ रही है जिसके चलते मुझे लगता है 17 फरवरी को यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है आपके पास 2 दिन है, सोमवार और मंगलवार, उसमें आप यहाँ पे माल बिल्कुल खरीद सकते हो, क्योंकि हाल फिलहाल में करेक्शन भी आया है ऊपर के लेवल से। तो मुझे लगता है जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है 17 तारीख के पहले, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है 17 तारीख के बाद हो सके कि यहां पे ये शेयर आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पॉसिबिलिटी की, क्योंकि किसी भी बात की कोई संभावना वैसे शेयर मार्केट में नहीं होती, परंतु दो न्यूज़ जिस तरह की है उस तरह की मुझे लगता है कि बड़ी मूव के लिए पूरी तैयारी भारतीय एयरटेल करता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मदरसन जूमी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, स्पाइस जेट और ISCTC के ऊपर तो आज ही मैंने वीडियो डाला है। इन वीडियो को आप वॉच आउट कर सकते हो मेरी चैनल को विजिट करके। यहाँ पे सिचुएशन देखने की कोशिश करेंगे, 585 रुपये के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, 12 रुपये डाउन जा करके बंद हुआ है और यहाँ पे 2.04% की गिरावट। तो वही बता रहा था दोस्तों कि हाल फिलहाल में करेक्शन देखने को मिला है। एक मंथ में देखे दोस्तों, यहाँ पे जब ये हाई बना रहा था 610 रुपये के आसपास का, उसके बाद से हमें अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे आपको इस जो डीप है उसको बाय की तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भारतीय एयरटेल का जिस तरह से टारगेट बताया जा रहा है और जिस तरह की खबरें निकल करके आ रही है, मुझे लगता है ये प्राइस आपको आगे जाकर के ना भी देखने को मिले। कारोबार कैसा रहा था यहाँ पे फ्राइडे को, वो बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे NSE की वेबसाइट पर लेके आया हूँ, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, आप यहाँ पे देख सकते हो। 585.90 रुपये पे क्लोजिंग, 12.20 रुपये डाउन, 2.04% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 598 रुपये, ओपन होता है 597.85 रुपये, हाई 597.85 रुपये का, लो 584.60 रुपये का, और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 586.25 रुपये। क्वांटिटी की बात करें 1,56,11,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से बात करें 69,36,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखिए दोस्तों 44.4 दिन, तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे धमाकेदार हमें नजर आ रही है। दोनों न्यूज़ के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे मैं 17 फरवरी बार बार क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बिजनेस टूडे की वेबसाइट पर लेके आए हुए, यहाँ पे देखे भारतीय एयरटेल मीट ऑन February 17 टू डिस्कस फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान। तो दोस्तों 17 फरवरी को बोर्ड मीटिंग यहां पे होने वाली है और उसमें जो फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा और मुझे लगता है बड़ा फैसला कुछ निकल करके आ सकता है। यहाँ पे पूरी न्यूज़ बताने की कोशिश करूंगा कि 17 तारीख को क्या क्या डिसीजन लिए जाएंगे और यहाँ पे जब ये डिसीजन आएंगे तो वो भारतीय एयरटेल का शेयर आपको हाथ में आने वाला नहीं है। तो भारतीय एयरटेल बोर्ड स्टेट टू मीट February 17 टू डिस्कस फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान एंड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डिंग फ्रेमवर्क ऑफ इट्स सब्सिडियरीज, द टेलीकॉम ऑपरेटर सेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग ऑन फ्राइडे। तो दोस्तों एक तो फ्यूचर के जो प्लान है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन किया जाएगा और इसकी जो सब्सिडरीज है उसकी जो शेयर होल्डिंग फ्रेमवर्क है उसको भी एडजस्ट किया जाएगा कि किस में कितनी हिस्सेदारी रखनी है। तो यहाँ पे भी पूरी तरह से डिसीजन आएगा और कहीं ना कहीं जो फंड राइजिंग को लेकर के प्लान है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में ही उसने एक प्लान लॉन्च किया था फंड राइजिंग का, February 3 को यहाँ पे 7,500 करोड़ का यहाँ पे फंड राइजिंग का प्लान उन्होंने अप्रूव किया है, डेट इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे और बॉन्ड को और डिबेंचर को इश्यू करके। तो दोस्तों और नया धमाका हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 मार्च को स्पेक्ट्रम का ऑक्शन भी है और यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी बताया है कि जियो और भारतीय एयरटेल उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रूप अपना सकते हैं यहाँ जो 5G बैंड से उसको खरीदारी करने के लिए। तो इसके चलते भी यहाँ पे जो फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है, अपनी सब्सिडरीज कंपनी है उसमें कितनी परसेंट हिस्सेदारी रखनी है कितनी नहीं रखनी है उसका भी पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ से अगर बड़ा कोई डिसीजन निकल करके आया तो आपको यहाँ पे 17 तारीख को भारतीय एयरटेल का शेयर रॉकेट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही इंटीमेट कर रहा हूँ, आज 13 फरवरी, आपके पास यहाँ पे सोमवार और मंगलवार है, आप यहाँ पे अपनी स्टडी के बेस के अनुसार पोजिशन बना सकते हो। मैं आपको लेवल टारगेट तो बताने वाला हूँ हालांकि चार्ट में, तो इससे पहले ही आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है और माल दबोच लेना है उससे पहले कि आपके हाथ से निकल जाए।
तो यहाँ पे न्यूज़ पढ़े, द स्ट्रेटेजिक प्लान में रिजल्ट कंसोलिडेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, जैसे मैंने बताया द कम पेमेंट फॉर विच में बी मेड थ्रू द इंश्योरेंस ऑफ इक्विटी शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस एंड और कैश, एयरटेल फर्दर स्टेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो खबर है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर भी यहाँ पे खरीदारी करने के लिए जो उसके पास मनी चाहिए उसका भी बड़ा प्लान यहाँ पे रिवील हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली यहाँ पे उन्होंने 854 करोड़ का क्वार्टर में प्रॉफिट घोषित किया है, थर्ड क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि पिछले साल 1035 करोड़ का लॉस था उसके सामने 854 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट घोषित किया है। उसका कारण यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कस्टमर एडिशन, आपको पता होगा कि क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पे जो कस्टमर एडिशन है वो सबसे ज़्यादा मजबूत भारतीय एयरटेल का ही है। तो इसी के चलते यहाँ पे मुझे लगता है आगे का जो वक्त है वो भारतीय एयरटेल के लिए और भी हायर हो सकता है। यहाँ पे एक और न्यूज़ आ रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। बाय भारतीय एयरटेल टारगेट ऑफ 720। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज है, इन्वेस्टर है, वो कितने ज़्यादा बुलिश यहाँ पे भारतीय एयरटेल में दिखाई दे रहे हैं। 720 का टारगेट और यहाँ पे पूरी तरह से बुलिश है मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, और रेटिंग है वो बाय की करी है। तो दो खबरें थी जो कि मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 17 फरवरी को आपको यहाँ पे डेट नोट करके रखनी है, अगर आप कुछ इंट्राडे या फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई भारतीय एयरटेल में पोजीशन बनाई है या तो फिर बनाना चाहते हो, तो मुझे लगता है 17 तारीख के पहले ही आपको भारतीय एयरटेल में पोजीशन बनानी चाहिए। सीधा चलेंगे चार्ट पे और यहाँ पे क्या लेवल टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पे बाइंग करी जा सकती है वो भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको पहले कुछ लेवल बताना चाहूँगा। अब अप्रैल 20 की बात करें, 400 रुपये के आसपास लो, उसके बाद बढ़िया तेज़ी 610 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था 600 रुपये के ऊपर, उसके बाद बड़ी गिरावट, और यहाँ पे मैंने एक वीडियो के माध्यम से 400 रुपये के आसपास जब आया था तब रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पे भारतीय एयरटेल में बाइंग करिए, आगे जाकर के आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। उसके बाद एकदम रॉकेट बन गया दोस्तों, हाल फिलहाल में उसने जो हाई मारा है वो 530 रुपये के आसपास का मारा है, उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, करंट मार्केट प्राइस 586 रुपये, और यहाँ पे जो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल करके आ रहा है वो 575। तो एकदम 575 के बाजू में आने की कोशिश फिर से कर रहा है, और यहाँ पे आप पैटर्न देखें तो आपको पैटर्न भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे पोल मान लीजिए, यहाँ पे ए फ्लैग टाइप पैटर्न बना रहा है, अगर यहाँ पे ए पैटर्न को ब्रेक करता है तो बड़ी तेज़ी हो सकती है, और मुझे लगता है 17 तारीख को यह ब्रेक होना चाहिए। पहला टारगेट आपके लिए 610 से 625 के बीच जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे होना चाहिए, और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ऑल टाइम हाई हो जाएगा, और उसके बाद फर्दर तेज़ी के जो रास्ते हैं पूरी तरह से खुल जाएंगे। अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट आए और मार्केट को पसंद नहीं आया, तो अगर 575 का लेवल टूटा तो 550 का भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। मैं चाहूँगा इस लेवल को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद ही अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, और यहाँ पे अब अपनी स्टडी के बेस के अनुसार ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश करिए। दोस्तों मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि भारतीय एयरटेल यहाँ से रॉकेट बनने ही वाला है, परंतु जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ITC के रिजल्ट में, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि आपका प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं गया। दोस्तों ITC का रिजल्ट आप देखोगे तो पॉजिटिव था, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसको बीट किया था, परंतु मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, वो यहाँ पे किसी भी स्टॉक को भगाने से पहले वीकेंड से उसको बिल्कुल बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो आपको पेशेंटली यहाँ पे काम करना चाहिए। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ITC का जो स्टॉक है और ऊपर जा सकता है, 250 का लेवल शॉर्ट टर्म में छुएगा। तो जो लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि आपने बोला था भागेगा और नहीं भागा, तो दोस्तों मैं अपना प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, हर बार सबका प्रेडिक्शन सही हो वो भी जरूरी नहीं है। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल में भी बोल रहा हूँ आपको, दोनों साइड अपना प्लान बना के चलना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से आपको ऊपर के लेवल ही दिखाएगा, जिस तरह की मेरी स्टडी बोल रही है। RSI का लेवल 54 का है, जो कि अपने आप में मजबूत है। दोस्तों मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा
जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, और या तो फिर जिसने डीमैट अकाउंट ही ओपन नहीं किया, उसको मेरी तरफ से दो लिंक दी गई है, एक जीरोधा की और एक अपस्टॉक्स की। वहाँ से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी, मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें आपको जगह दी जाएगी। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।